ये मामला 2016 के नवंबर का है, 8 नवंबर को नोटबंदी लागू हुई, 2016 के 11 नवंबर को ये पैसे का लेन देन हुआ है और बाद में एक साल बाद और कहा जा रहा है कि 25 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। तो यह जो लेन देन है वो टोटली अवैध धन का, काले धन का लेन देन है। इस काले धन का स्रोत पता होना चाहिए कि कहाँ से ये धन आया है, शायद इसका स्रोत पता किया जाए तो और भी कई गड़े मुर्दे इसके माध्यम से उभर सकते हैं। उन्होंने किसी प्रेमदास के साथ प्रॉपर्टी एग्रीमेंट किया है, उनको 15 लाख रुपया दिया है जो पुराने नोटों वाला है, और उसका बाजाबता एग्रीमेंट किया है, स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट है। तो सवाल यही है कि जब नोटबंदी लागू हो गई, पुराने नोट अवैध हो गए और 3 दिन के भीतर नए नोट आए नहीं, तो ये 15 लाख रुपए का जो एग्रीमेंट हुआ है, यह एग्रीमेंट काला धन को सफ़ेद धन करने का ही एग्रीमेंट है। Thank you.